बहुत खूबसूरत फीलिंग है जब हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, क्रिएटिविटी जब हमारी प्लेटफॉर्म होती है तो अच्छा फीलिंग आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा ज्वेलरी जो है वो एक सेंस ऑफ एस्थेटिक का एक्सटेंशन है, तो कुछ भी क्रिएट करना बहुत ही, चाहे वो फिल्म हो या ज्वेलरी लाइन, बहुत मेहनत जोश और जुनून के साथ करना पड़ता है। तो तीनों की तीनों ये जो एस्पेक्ट्स है वो हमारी ज्वेलरी में साफ नज़र आ जाते हैं। खूबसूरत गहने हैं गहना में। मुझे लगता है कि ऐसी कोई महिला नहीं है, लेडी नहीं, औरत नहीं है जो गहना से पसंद या प्यार नहीं करती। डायमंड इज़ अ गर्ल। मैं अपनी माँ के साथ मैं बड़ा हूँ, तो उनकी जो जो खासियत थी उनकी ज्वेलरी की कलेक्शन, हमेशा वो बहुत लगाव था उनका अपनी ज्वेलरी से। तो सिमिलरली मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा है। ये है लापेल पिन बुलाते हैं इसे, जो सुनील और किरण ने ब्यूटीफुली हमारे साथ डिज़ाइन किए हैं। तो सुनील ने खुद एक स्कल पहना है, जैसा कि आपने देखा ये फेसेस, हाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे खूबसूरत मोटिव्स हैं जो हमने बनाए हैं। और आई थिंक ऐसा ही नहीं कि सिर्फ औरतों को ज्वेलरी पसंद है, ऐसा आजकल मेट्रो सेक्शुअल मैन हो चुका है तो वो भी सूट्स पे कपड़ों पे ये पहन सकते हैं। मैं खुद के बारे में तो मैं सिर्फ खुद के बारे में बात कर सकता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि अगर डिज़ाइन मैंने किए हैं तो आई होप कि ऑल द बॉलीवुड लीड एक्टर्स वेयर दिस ज्वेलरी। बस यही कहना चाहूँगा कि 18 मार्च को फिल्म रिलीज़ हो रही है और सब जाके देखें, बहुत ही अच्छी खूबसूरत फिल्म है। और मैंने सबसे यही कहा है कि ये फिल्म सबसे ज़्यादा धर्मा प्रोडक्शंस की सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइबल फिल्म है। आप जो भी हो आप इस फिल्म में अपने आप को पाओगे।